के तेल से भगवान महादेव का रुद्राभिषेक हो गया। इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, इससे महापुराण में, इससे करोगे, घोर गरीबी का नाश होता है गन्ने के रस से करने का। इसी ग्रंथ में लिखा है, वंश वृद्धि नहीं रुकती जो 1,00,000 गेहूं शंकर के ऊपर चढ़ाते हैं। 1,00,000 गेहूं, तो 1,00,000 सावत मूंग भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, उस घर का ईश्वर, उस घर का सुख कम नहीं होता। जो 1,00,000 तिल के, काले तिल के दाने भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, दुश्मन का बार नहीं होगा उसके ऊपर, मौत का मुंह नहीं देखेगा, उसकी आयुष्यता, उसकी उम्र बढ़ेगी। ये तो सगरी बातें ग्रंथ में लिखी हैं, ये कोई टोटका नहीं है, सिद्ध बात है। सावन का महीना चल रहा है, आप अपनी पूजा की थाली संभाले तो उसमें क्या क्या रखना है, उसमें कमगल गट्टा रखो, उसमें थोड़ा आंवला रखो, समी की पत्तियां रखो, दूरवा जरूर रखो, बेल पत्तियां तो रखना ही है आपको, अकौआ का फूल चाहे जो रख लो, बस दो तरह के फूल मत रखना, एक चंपा और एक केवड़ा, ये दो फूल नहीं चढ़ते भगवान के ऊपर। गेहूं थोड़े से रखिए, मूंग साबुत रखिए, उसमें साबुत मूंग रखें, काले तिल जरूर रखें। जनेऊ, 3 देवताओं की पूजा बिना जनेऊ की पूरी नहीं मानी जाती, एक है गणेश, एक है हनुमान और एक है महादेव। जो भगवान को जनेऊ चढ़ाता है वो किसी के बंधन में नहीं बन सकता। यज्ञोपवीत बड़ा पवित्र है, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, ये बहुत पवित्र है। जनेऊधारी लोग किए गए सद प्राप्त कर देते, जनेऊ की बड़ी महिमा है। इस समय सावन का महीना है, हर देवालय, हर शिवालय में बड़ा आनंद हो रहा है। शाम को घूमते हुए चले जाया करो शिवालय में, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में, एक दिया जला के रखा हो और जलते हुए दिए से एक दिया जला के अपने घर ले आओ। दरवाजे में घुसते ही दाहिने हाथ पर जला के रख दीजिए। क्या किसी की मजाल है कि किसी का जादू टोना टोटका आपके ऊपर हो जाए, कोई सवाल ही नहीं उठता। महादेव अद्भुत है, हम बड़े भाग्यशाली हैं अवंतकानाथ के चरणों में बैठ करके और उन्हीं की बात सुन रहे हैं, उन्हीं की कथा सुन रहे हैं। उनकी कृपा के बिना तो संभव है ही नहीं है। थोड़े से और बैठे रहिए, 11 बजे आरती करा दूंगा। तुम आप सब आज हारे थके हुए हैं, जो समय कम पड़ा है उसको आगे देख लेंगे। राजधानी जैसी गाड़ियां धीमी भी किसी कारणवश हो जाती हैं तो अपने स्टेशन पर टाइम से पहुंचती हैं। मुझे मेरी गंतव्य दूरी 19 तारीख को मिलेगी, तब तक पूरा कोर्स निकाल लूंगा, बिल्कुल पूरा। और आनंद की बात यह है कि वैसे तो शिव महापुराण में आधा घंटा में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनानी होती है, लेकिन अब के बाद 40 घंटा मिला है ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाने। टीवी पर जितना भी मुझे जन आप सुन पा रहे हैं, आप आइए। अब तो भगवान की कृपा से एक धर्मशाला भी मिल गई है। आश्रम के पास उतनी इस समय व्यवस्था नहीं है, लोड चल रहा है, क्यों गौशाला का निर्माण जोर से है। उधर मठ भी अपनी तैयारियों में ही पहुंच रहा है, हॉस्पिटल भी अपनी तैयारी में ही, बहुत आदमी काम कर रहा है। लेकिन फिर भी यह लग रहा था यहाँ बहुत थैले फैले दिखाई दे रहे थे, तो एक सदन ठीक ठाक है, कमरे भी हैं, हॉल भी है। जो भी मुझे टीवी पर आप सुन रहे हैं, रहना भी निःशुल्क है, भोजन भी निःशुल्क है, बस शर्त यह है भगवान की कथा जरूर सुनिए।